नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में। बिहार विधानसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की निगाहें अब यूपी पर टिक गई हैं। यूपी विधानसभा चुनावों को देखते हुए असदुद्दीन ओवैसी लगातार यूपी के दौरे पर हैं। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। असदुद्दीन ओवैसी आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संभल और मुरादाबाद जनपद दौरे पर है। ओवैसी पश्चिमी यूपी में चुनाव प्रचार की शुरुआत संभल से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी का प्रदर्शन यहां अच्छा रहा था और पार्टी प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहा था। आखिर विधानसभा चुनाव में ओवैसी का माहौल क्या रहेगा, इसे जानने के लिए उन्होंने जबरदस्त रणनीति तैयार की है। कहा जा रहा है कि ओवैसी का ये दौरा एक तरह से पश्चिमी यूपी में उनके चुनाव प्रचार की शुरुआत है। अपने इस दौरे में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी का वादा और इरादा यूपी को बिहार बनाने का है, जहां विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की शानदार जीत हुई थी। AIMIM के 5 नेता विधायक चुने गए थे। ओवैसी इसी कामयाबी को यूपी में भी दोहराना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इस बार नारा भी बदल लिया है। ओवैसी ने कहा है कि इस बार के चुनाव में MY नहीं A to Z समीकरण चलेगा। MY मतलब मुस्लिम यादव, जो कि समाजवादी पार्टी का वोट बैंक रहा है। वो कहते हैं कि मुसलमानों को सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। वो एक साथ योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव पर हमलावर है। पिछले कई दशकों से यूपी समाजवादी पार्टी ही मुस्लिम समाज की पहली पसंद रही है। ओवैसी इसी समीकरण को तोड़कर अपने लिए राजनीतिक संभावनाएं तलाश रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी के पास इस तरह का फीडबैक है कि पश्चिमी यूपी में AIMIM अच्छा कर सकती है। यूपी में 130 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां मुसलमानों का अच्छा असर है। जीत हार तय करने में उनकी निर्णायक भूमिका होती है। जानकारी मिली है कि इस दौरे में दूसरी पार्टियों के कुछ नेता ओवैसी की पार्टी में भी शामिल हो सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी इससे पहले यूपी के पूर्वांचल की यात्रा कर चुके हैं। उनका ये दौरा बड़ा विवादित रहा था। इसी महीने की शुरुआत में वो बहराइच में गाजी सालार मसूद की दरगाह पर गए थे। महमूद गजनबी के भांजे सालार मसूद से हिंदू राजा सुहलदेव राजभर का युद्ध भी हुआ था। यूपी के पिछले चुनाव में AIMIM 38 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। एक को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी। ओवैसी इस बार ये गेम पलटने की जुगत में है। ओवैसी के यूपी में कदम रखते ही विपक्षी पार्टियां जैसे सपा और कांग्रेस ओवैसी पर हमलावर हो गई है। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि ओवैसी बीजेपी की भी टीम है। ओवैसी बीजेपी के कहने पर ही मुस्लिम वोटों के बांटने के लिए यूपी आ रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर अपने पूर्वांचल दौरे पर आए ओवैसी ने सपा और कांग्रेस पार्टी को जमकर लताड़ लगाया। ओवैसी ने कहा कि इन पार्टियों ने मुसलमानों को हमेशा धोखे में रखा है। सपा हो या बसपा, सारी पार्टियों ने मुसलमानों के सिर्फ वोट लिए, उनके लिए कुछ नहीं किया। असदुद्दीन ओवैसी की निगाह यूपी की उन 130 विधानसभा सीटों पर टिकी है जो मुस्लिम बहुल हैं। यूपी की करीब 130 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। अब ओवैसी इन्हीं विधानसभा सीटों के भरोसे अपना झंडा गाड़ने यूपी में आए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का, और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70,00,000 से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी, आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी